Hello students, good morning. How are you? I hope you all are very very happy at your home. Is I'm right? Yes. Okay. Don't worry. Let's start today's class. Okay? Are you ready? Very good. As you know, in your previous classes, we discussed about numbers. Remember? Very good. Okay. See this and try to tell me what is this. What is this? Yes, very good. This is number. Okay. These are numbers. Very good. Can you guess what will I do? Tell me. Okay, don't worry, because I with you. I tell you, okay? So be ready, okay? Today's class, I am going to tell you how to read and write such type of numbers, okay? मतलब आज इस क्लास में ये देखेंगे कि इस तरह का जो नंबर्स है उसको रीड और राइट कैसे करते हैं. अंडरस्टैंड? ओके. टू इजीली अंडरस्टैंड रीड एंड राइट वी मेक अ सिस्टम विच इज सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. आसानी से इन सभी नंबरों को रीड और राइट करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया और उस सिस्टम को सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन कहा गया. क्लियर है? ओके. इस सिस्टम में नंबरों को आसानी से रीड और राइट करने के लिए दो मेथड दिए गए हैं. हाउ मेनी मेथड? टेल मी. दो मेथड. ओके, दो मेथड. So what these method? The first method is the Indian system of numeration, and second method is the international system of numeration. Okay, only two method. First of all, we discuss about the Indian system of numeration. Okay. इस सिस्टम में मतलब द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम नंबरों को सबसे पहले ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. ओके, जिन्हें हम पीरियड्स कहते हैं. ओके, मतलब नंबर जो आपको दिए रहेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबरों को ग्रुप में डिवाइड करना है, और उन ग्रुप को क्या बोलेंगे आप लोग, पीरियड्स कहेंगे. क्लियर? अब पीरियड्स में कौन कौन से पीरियड्स होंगे, नेम जरा देख लेते हैं हम लोग. चलो, पहला नेम आता है वंस का. पहला नेम किसका आता है? वंस का. दूसरा नेम आता है आपका थाउजेंड्स का. ओके. और तीसरा नेम आता है आपका लैक्स का. और चौथा एंड फोर्थ आपका आता है करोड़. क्लियर? करोड़. ओके. और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो और आगे बढ़ेगा, बट इस इंडियन सिस्टम में हम लोग ओनली फोर पीरियड्स को फॉलो करेंगे. क्लियर? कौन कौन से पीरियड्स हैं? वंस, थाउजेंड्स, लैक्स एंड करोड़. ओके, लेट्स सी हाउ टू मेक द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन. ओके, चलो देखते हैं. हम इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन में हमेशा दाएं तरफ से काम करना स्टार्ट करते हैं. मतलब अगर पीरियड्स को हमें रखना होगा तो पीरियड्स को कहाँ से रखना स्टार्ट करेंगे, राइट की तरफ से.
ओके सो राइट में पहला पीरियड आया वंस एंड सेकंड पीरियड्स थाउजेंड्स एंड थर्ड पीरियड्स लैक्स एंड फोर्थ पीरियड्स करोड़्स। क्या आप इतना ऐसे बना सकेंगे? हाँ, वेरी गुड। ओके, अब ये आपको ओके नाउ जो आपका वंस पीरियड्स है, इस वंस पीरियड्स को भी तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ओके, किस पीरियड को? वंस पीरियड को तीन पीरियड में डिवाइड कर दिया। और तीनों पीरियड्स का नाम क्या रखा? पहले पीरियड के यहाँ पे नाम रखा वंस वाले को वंस, दूसरे को टेंस और तीसरे को हंड्रेड। ओके, हंड्रेड्स। समझ में आया? ओके, नाउ एंड थाउजेंड्स, जो थाउजेंड्स पीरियड्स है उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया। हाउ मेनी ग्रुप्स? टू ग्रुप्स डिवाइड टू थाउजेंड पीरियड्स। ओके, नाउ सिमिलरली लैक्स को भी कितने पीरियड्स में डिवाइड किए गए? टू ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। अब करोड़्स के पीरियड को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किए गए? टू ग्रुप्स में डिवाइड किए गए। ओके, चलो नाम रखते हैं थाउजेंड्स का। तो आप कहोगे सर थाउजेंड्स, क्या आप कहेंगे? थाउजेंड्स। और इस ग्रुप का नाम टेन थाउजेंड्स, इस ग्रुप का नाम टेन थाउजेंड्स। ओके, थोड़ी राइटिंग नहीं अच्छी है, बस स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है? हमारे पास उतना स्पेस नहीं है। ओके, नाउ लैक्स वाले को क्या कहा गया है? लैक्स, और इसको टेन लैक्स कहा गया, और करोड़ को इसको कहा गया करोड़, और इसको क्या बोला गया? टेन करोड़ बोला गया। क्लियर है इतनी बात? क्या आप लोग बना सकते हो कि नहीं? हाँ, बहुत आसान है। ओके, बहुत आसान है बनाना। कैसे? पहले हमने पीरियड्स को राइट से लिखना स्टार्ट किया, जैसे वंस थाउजेंड लैक्स करोड़। ओके, और वंस में हमने देखा कि तीन ग्रुप में बट गया, तीन ग्रुप में डिवाइड हो गए। कौन कौन सा ग्रुप? वंस टेंस एंड हंड्रेड्स। ओके, सिमिलरली थाउजेंड लैक्स एंड करोड़, ये सब कितने ग्रुप में बट गए? दो दो ग्रुप में। अब जैसे थाउजेंड्स के जो ग्रुप बटे उनके नेम क्या है? थाउजेंड और टेन थाउजेंड। लैक्स के क्या क्या है? लैक्स और टेन लैक्स। करोड़ के क्या है? करोड़ और टेन करोड़। क्लियर है? अब इनकम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म बहुत आसान होता है। देखो कैसे, वंस को लिखा हमने ओ, टेंस को लिखा हमने टी, और हंड्रेड को लिखा हमने एच। क्लियर? थाउजेंड के लिखा हमने टी एच लिखा, टी एच लिखा, बट टेन थाउजेंड को लिखा टी टी एच। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको ये चीज करना है और बहुत आसान है। लैक्स को लिखेंगे एल, लेकिन टेन लैक्स को लिखेंगे टी एल। ओके, करोड़ को लिखेंगे सी, और टेन करोड़ को लिखेंगे टी सी। देखो, अब बताओ आसान नहीं है? बहुत आसान है। तो अब आप हमें ये बता दीजिए, क्या आप लोग को इंडियन सिस्टम बनाने आ गया? ध्यान से देखना, बहुत आसान है, बन जाएगा। आई होप आप बहुत बेटर करोगे। आज की क्लास में आप सिर्फ आज इंडियन सिस्टम को ही घर पे बनाने का ट्राई करेंगे, और कल के क्लास में हम लोग इन इंडियन सिस्टम में कैसे नंबरों को रीड और राइट करेंगे वो सीखेंगे। ओके, एवरीवन से यस या नो? वेरी गुड। ओके, थैंक यू।